हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा आज मैं मैं आज ब्लॉग कर लेती हूँ। और अभी मैं नहा धो के बस कपड़े पहने हैं एंड आज मैं जा रही हूँ अपनी सबसे बड़ी वाली बुआ के घर। और उनका बहुत घर जो है ना, वो बहुत ही विलेज टाइप मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत विलेज टाइप का है। बहुत ही अच्छा फील आता है वहाँ पे जाकर। सो आई थॉट कि मैं आज ब्लॉग शूट करती हूँ एंड यस, फिर मैं सारा कुछ दिखाऊंगी, वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर, एवरीथिंग। सो आज दोनों गाड़ियाँ धुल चुकी है, मेरी भी और पापा की भी। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है गाड़ी, और पापा की भी गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। बट मेरी गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत साफ़ सुथरी हो रखी है। एक्चुअली ये कलर ही ऐसा है, इसको साफ़ रखना इज़ वेरी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वाइट गाड़ी में इतना पता नहीं लगता, बट पापा की गाड़ी तो नीट एंड क्लीन ही होती है। मेरी गाड़ी होती है कई बार थोड़ी थोड़ी गंदी। मेरी मम्मी मम्मा के गोड्डे में लग गई है, सो मम्मी कुछ नहीं कर सकते। ओहो मेरी प्यारी मम्मी, शी सच अ क्यूटी। और मैंने शायद अभी तक जब व्लॉग बनाया है, तो मैंने शायद आपको एक न्यू मेंबर से नहीं इंट्रोड्यूस कराया है। और लेट मी चीनो आइस का है। सो ये है हमारा न्यू मेंबर भी नहीं, बट यस। और ये है हमारा नया मेहमान आइस, इसका नाम है आइस और ये फीमेल हस्की है। सो यस, ये अब बहुत बड़ी हो गई है, जब मैं इसको लाई थी बहुत छोटी सी थी। सो आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब बहुत ही क्लीन है मौसम। और हाँ, मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, सो थोड़ा सा आपको पेल फेस मेरा लग सकता है। तो यस, अभी हम निकलते हैं एंड मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी बुआ के घर में उनका गृह प्रवेश हुआ था, बहुत छोटा सा उन्होंने घर बनाया है। एंड उन्होंने बोला, एक्चुअली मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा ऑफिस, आजकल मेरा ऑफिस बहुत हेक्टिक होता है, मुश्किल से छुट्टी मिलती है, सो मैं जा नहीं पाई थी। फिर उन्होंने बोला कि तू तो पक्का ही आई हो, और फिर मैंने सोचा यार चलो, इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं चले जाती हूँ। सो तब मैंने सोचा कि यार आज संडे था, मेरे को ही करने पड़ते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बोलता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा बोल देता है कि मन करता है मैं इसको एक मुक्का ही मार दूँ। मार दूँ तेरे को एक मुक्का। चल आराम से चल। वैसे मेरी गाड़ी छोटी है, होने तो बहुत देर है, जगह की बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पहाड़ों का सामना करना पड़ता है हमें, पहाड़ी इलाकों में। और यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत है लोगों के, बहुत सुंदर सुंदर है ना यार, इतना खुला खुला इलाका है ना यहाँ पे वैसे। सो गाइस, ये रहा बुआ का घर और हम पहुँच गए, देखो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। गिफ्ट चक। सो इस तरह का कुछ है नज़ारा, बहुत सुंदर है। पर यहाँ पे आते आते मुझे लगा है पता, बहुत मुश्किल से गाड़ी ऊपर तक पहुँचाई है। सो पहुँच गए।
पहले बुआ से मिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी पूरा घर यहाँ से ओबरा। और ये है बुआ की गायें, एक दो तीन चार, को ऐसे क्यों देख रही है? मक्की का काम चल रहा है, मक्की का काम। और ये बोल रही है व्लॉग मत बनाना प्लीज, वो डिलीट कर देना। राजस्वामी राजस्वामी ठीक है, देखो चार बहनों का प्यार, यहाँ इतने अच्छे से काम कर रही है बेचारी। इतना काम रोज करती हो तुम? हैं संडे आज काम है, ऐसे नहीं करती काम करते करते। सो ये बहुत पुराने टाइम में बना है घर, जैसे रेनोवेट किया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये सारा रेनोवेट किया है तो अभी थोड़ा सा न्यू लुक आ गया है, बट अदरवाइज ये देखिए, ये देखो यहाँ पे करने लिपाई गोबर गोबर आई, और ऐसे छत होते हैं और ऊपर कड़ी थी है तो कड़ी पर चढ़ अभी ये ठीक है ऊपर। सो ये है सेकंड फ्लोर, और ये ऐसे वुडन के, थोड़ा सा पुराना टच है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। सो मैं बहुत सारे रूम है, एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, और ये चारों देखो इतने, और यहाँ पे ये ऐसा सुकून भरा इलाका है, और ये नया घर बना। सो ये है इनका नया घर, छोटा सा प्यारा सा, एंड अच्छी अच्छी वादियों में प्यारा सा घर। और यहाँ से शुरू होके ये है पैलेस हॉल आई थिंक, एंड देन यहाँ पे है रूम नंबर 1। सो ये होते हैं इन वाटर टैंक, ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होता है पानी, क्योंकि थोड़ा सा कम है यहाँ पे, और खेतों वगैरह के लिए यहीं से फिर पानी मतलब देते हैं। ये है छत, और ये रहा व्यू, और ये भी सब सारे बुआ के खेत, ये सारे बुआ के खेत हैं, ये सारे यहाँ पे बुआ के खेत हैं, ये सारे में सरसों लगी है। ब्रो आर यू हंग्री? वेरी मच। तुम लोग भी तो आए कोई हमारे साथ? लुस्के लुस्के कहाँ? और ये क्या खीर? मैं ब्रो ऊपर गई थी ढाबा दलिया, वहाँ से आई ना, लगता छोड़ नहीं दिया मेरे को, अच्छा ही लगता। टन हो गया, बहुत ज्यादा खा लिया आज, पेट बहुत ज्यादा भर गया। तो ये है लहसुन और धनिया और मेथी और क्या है, हैं और क्या है, शर्मा क्यों रही? सोआ इधर दिखा अपनी शक्ल। और ये बिल्कुल बढ़िया बढ़िया परांठे बनेंगे इसके। अब धनिया बीच में लगाया हुआ है, ये धनिया है, ये धनिया, ये बड़ा हो गया अब, उखल सौर गिरा बना रहा है, हाँ बहुत अच्छा है। तो बस शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, हम यहाँ से बस होटल में निकलेंगे, एंड बहुत मज़ा आया, और खाना तो बहुत सारा खा लिया, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। खो यहाँ बेचारी लड़कियाँ इतनी पढ़ रही हैं कि गप्पे मारने बैठी हैं, पढ़ने बैठे हैं बट भूख पर। और ये देखो यहाँ पे तारी, ये तुम्हारी है? हाँ तुम्हारी पर। अच्छा तुम्हारी ऊपर है, पहले तो तुम यही नहीं बांधते थे? नहीं हमारे डंगर तो पारी रहते या ऊपर रहते। अच्छा ये है हमारे पशु, थोड़े माड़े हो गए वे। ये है हमारी चुनकी, चलो बताओ अपने बारे में। मेरा नाम पुहार है, जोर से बोलना है, प्रोडक्शन थोड़ी दे रही है तो कुछ तो क्या बताऊं, चल तो जोर से ता, चल तुम्हारी फोटो भी लूं। ये है इनकी गाय, हम इनकी गाय देखने जा रहे हैं, नई नई गाय सुई हुई है क्या,
हाँ क्या नाम, क्या बैल है ये यार? ये पंपी है, ये बिंदु। हाय पंपी। ये कैसे नाम रखे बिंदु ने। चलो बंदर नया बच्चा देखेंगे। चलो 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 चलो, वो वो देखियो लाती मारे। बुज्जी और सफेद, ठीक है, बुज्जी और सफेद। बच्चा किसके होगा? अंदर नहीं जा सकते हम यार, मारेगी ये। कौन मारेगी? ये वाली। ओ बेटा मारा। हम जा रहे ओबरे के अंदर, हमने छोटा बच्चा देखना है यार। अरे बहुत छोटा है क्या ये? लड़का है लड़की है? लड़का। बहुत छोटा है। कब सुआ है? एक सुई है बस, करीबन 2 दिन पहले। 2 दिन का है ये। सो आज का दिन ओवर हो गया एंड अब हम घर जाएंगे। इसके बाद बस थोड़ा सा घर पे जाके खाना वाना बनाना है, क्योंकि मम्मी के थोड़ा सा टांग में दर्द हो रही है। सो खाना खुना बनाती हूँ। बस मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई व्लॉग एंड इफ़ यू डिड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।